हम सबकी एक तमन्ना भी है ना कि हमारी दुआएं कबूल हो। हम सब चाहते हैं कि मुस्तजाबुद दावात बन जाए। एक बार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु तआला हाजिर हुए और अर्ज की, हुजूर दुआ मुझे बताइए मैं मुस्तजाबुद दावात कैसे बन सकता हूं। अभी कैसा सवाल है, आप सब चाहते हैं, कौन कौन चाहता है मुस्तजाबुद दावात? माना पता है इसका, मुस्तजाबुद दावात वो होता है जो दुआ करे वो दुआ कबूल हो जाए। हम सारे ही चाहते हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने सवाल कर लिया, क्या प्यारा सवाल किया, हमारा भी काम आसान कर दिया। अच्छा फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में कोई लंबी लिस्ट नहीं दी कि ऐ साद इतने तलावत, इतने रोजे, इतने सजदे, हैं, इतना सदका खैरात करोगे फिर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, नहीं, एक लाइन का जवाब। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चंद लफ्जों में जवाब दे दिया, फरमा ऐ साद अपनी गिजा पाकीजा कर लो तो मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं या आप हम में से कोई, इंशाल्लाह मेरा रब चाहे तो मुमकिन है, हम में से कोई मुस्तजाबुद दावात बन जाए फिर उसकी मुश्किल तो खत्म हो गई ना, है, रोजी में बरकत चाहिए वो दुआ कर लेगा, बीमारी दूर करनी है वो दुआ कर लेगा, कर्जा उतारने की दुआ करनी है वो दुआ कर लेगा, जो उसके पास प्रॉब्लम है वो दुआ करेगा कबूल हो जाएगी क्योंकि मुस्तजाबुद दावात बन गया। तो सबसे मेन काम क्या करना चाहिए कि अपनी रोजी हलाल कर लो, मुस्तजाबुद दावात बन गए तो सारे मुश्किल ही हल हो जाएंगी ना। तवज्जो दें, अपनी रोजी पाक करने पर तवज्जो दें, आपका दिल नरम हो जाएगा, आपकी दुआएं कबूल होने लग जाएंगी।